नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। बिहार बेतिया में अंधाधुंध फायरिंग, 4 को लगी गोली, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में राजू श्रीवास्तव के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिजाब बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग, फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल जगतार सिंह हुआ गिरफ्तार, दुबई भागने की था फिराक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचेगी, कई परियोजनाओं का करेगी शुभारंभ। हिमाचल के ऊना पहुंचे पीएम मोदी, वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कोलकाता में एक्सवे मूवी स्टूडियो में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 11 दिवसीय प्रवास पर प्रयागराज पहुंचे। नोटबंदी केस की समीक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और आरबीआई से मांगा हलफनामा, 9 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। और 8 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को लगा बड़ा झटका।